अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मशहद रात के तकरीबन 4 बजे के बाद जो है 4:45 का वक्त है और यहाँ पर ये है कि ज़िंदगी की चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है और सबसे बढ़कर ये कि गलियाँ चौराहे और यहाँ की बल्दियाँ बड़ी मजबूत है। सुबह जो है आपको गलियाँ साफ मिलेंगी, साफ और शफाफ। ये चेक करें, शॉप्स खुल चुकी हैं और ये मेरे अकम में आराम है। हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें साहबजादे, और ये सहन रिज़वी है जिसका नाम तब्दील कर दिया गया है। अब इस सहन का नाम सहन पैगंबर आज़म रखा गया है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और ये सबसे बड़ा सहन है यहाँ का। और इस सहन में जो गुंजाइश है, तकरीबन कम बेश भी तो तकरीबन 2.5 लाख अफराद जो है इस सहन में जो है जमा हो सकता है, इबादत कर सकता है, बैठ सकता है। और यहाँ पर जैसे ही अजान होती है एक बड़ी तादाद जो है वो हरम की तरफ तशरीफ लाती है, नमाज अदा करती हैं, तिलावत कुरान मजीद होती है। इस वक्त भी तिलावत कुरान मजीद जो है वो हो रही है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे लोग जो हैं यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। और हरम की तामीर और तर्ज तामीर देखें आपको, कितनी खूबसूरत और आर्किटेक्ट का जो बेहतरीन नमूना है। और ईरानियन तहजीब जो है 2000 साल पुरानी है और तर्ज तामीर भी जो है कमाल है। और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो अपनी उसे ज़िंदगी जो है यहाँ पर सर्व कर दी, और वो जो है अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर उसको जो है ये एज़ाज़ मिला उस आर्किटेक्ट को कि उसे हरम के सहन में ही मदफन किया गया। ये छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं और उसमें शापर है। आप यहाँ पर अपने जूते जो हैं इनको अंदर रखिए शापरों के अंदर, और इसको बंद कर लीजिए और ये लेके अंदर। एक तो ये है कि जूते वसूल करने वाला अमानत जो है जिससे पाल होती है वो भी दिखाता हूँ आपको। उसका एक अकीदा है, रवायात में होना वो अलग अलग ठीक है, उसने अपने अकीदे को। ये जी मस्जिद गौहर-ए-शाद, मस्जिद कमाल मस्जिद है। और ये ईरान के बादशाह जो थे मिर्ज़ा तैमूर, उनकी मिसेस थी जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि कहा यह जाता है, मंसूब यह जाता है, ये सामने लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें उन अफराद और मज़दूरों को शामिल किया गया है कि जिनकी एक भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं थी। और यहाँ पर आप देखें तर्ज़ तामीर का शाहकार ये मस्जिद है, और ये ऊपर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ख़वातीन ज़्यादा तर आती हैं, और ये सामने जो मेम्बर है जो बनाया गया बग़ैर मेखों के, कोई कील इसमें नहीं है। ये जो सामने शीशे में लिपटा हुआ मेंबर है, और यहाँ पर जो है इस मस्जिद की ख़ास नस्बत है। और ये हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हिस्सा है इस वक्त, यानी कि मस्जिद तो बनी हुई है लेकिन ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई मस्जिद है। और ये देख सकते हैं कमाल मस्जिद है। यहाँ पर जी सुबह कुरान मजीद की तिलावत होती है। अब ये तिलावत कुरान हमीद फुरकान अल हमीद इख्तिताम पज़ीर हुई है। ये सामने कारी हजरात बैठे हैं, अब ये जो शरीक थे अफराद वो उठ के जा रहे हैं। करोड़ों दरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये मैं मौजूद हूँ सहन रिज़वी जिसे सहन पैगंबर आज़म भी कहते हैं, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें फरजंद का पीछे रोज़ा है मुबारक। और ये सहन रिज़वी है जिसकी कैपेसिटी के बारे में जो है
तकरीबन 2.5 लाख अफराद यहाँ पर कहते हैं कि जमा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर इस जमा होता है, इबादत होती है, जब रमज़ान होता है तो यहाँ पर आपने अमूमन रमज़ान में फुटेज देखी होगी, यहाँ पर बहुत बड़ा दस्तरखान लगता है। ये तर्ज तामीर फ़नून लतीफ़ा और यानी कि आर्किटेक्ट में कोई शाह मतलब इसका मुकाबला नहीं है, ज़बरदस्त आर्किटेक्ट हैं। और यहाँ पर जो तर्ज तामीर है बेहतरीन है, नफासत की इंतहा है। यहाँ पर जितने भी पानी के वाले से यहाँ पर सबीरें लगाई गई हैं या बने हुए हैं, यहाँ पर यह है कि आप नल के आगे हाथ करें पानी आ जाता है और पानी ज़ाया नहीं होता, जिस तरह वो नल खोल के चले जाते हैं। और ये देखें तो बड़े बड़े मीनार हैं और ये एक सहन है, और इस तरह के तकरीबन बताए गए 7 सहन हैं अतराफ में। और ये सबसे बड़ा यानी कि अगर हम देखें रोज़ों के हवाले से जो मस्जिद नबवी है वो भी शायद इतना रकबा ना हो जितना ईरानियों ने इस इमामजादे के लिए रकबा मुख्तस किया, ज़मीन मुख्तस की, उस पर काम किया। और यहाँ पर कुछ इस तरह भी है कि ये बड़ा सहन है ख़वातीन जो है बुज़ुर्गों के लिए, एक छोटी सी वैन भी है जो वहाँ से उठाती है और हरम तक ले आती है, और लोगों के लिए मुख्तस सहूलियात मुहैया की गई हैं। यहाँ पर देखें कबूतर इस टाइम यानी सुबह फूट रही है, कबूतर आपको नज़र आएंगे और फिज़ा में उड़ते हुए नज़र आएंगे। आज थोड़ा सा बादल भी हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले टेम्परेचर जो है बड़ा यानी कि ठंड थी फरवरी में, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर है। और चूँकि ये मशहद का इलाका जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इलाका बनता है, ईरान की एक साइड बनती है, और यहाँ पर ओवरऑल देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम कोशिश करेंगे कि नादिर शाह के मज़ार पर भी आपको दिखा सकें, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आगे आपको दिखाते हैं, आप साथ जुड़े रहिएगा। ये जी चाय खाना है हरम इमाम अली रज़ा के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लाइन में लगिए और चाय पीजिए। यहाँ पर ईरानी चाय, ईरानी कहवा मैं आपको दिखाता भी हूँ। پابند هنوزی در سنگ فنایی یا دامن آهو ایران شده رن آهو یا دامن آهو مدد یا ولی رسالت क्या फौजी क्या सब आए लाइन में लगे और चाय उठाएं और चाय पिए।